तो यहाँ के सरपंच जो डॉक्टर ज्योति यादव है उनके फादर इन लॉ है भाई देवेंद्र जी, राव देवेंद्र जी, उनके कार्यवाह का आज हम उसे जानना चाहेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है और सरकार से और प्रशासन से कितना सहयोग मिला है। देवेंद्र जी कैसे हैं? हाँ जी, देखो जी, हमें सरकार के बहुत ही अच्छी सरकार है हमारे जी, और गांव के विकास के लिए अनेक योजनाएं जो हमने बनाई सरकार के माध्यम से, जो योजनाएं आई जी, उनका पूरा फायदा हमने गांव को दिया जी। हमने महिला चौपाल का निर्माण कराया, सचिवालय का निर्माण कराया, सामुदायिक केंद्र बनाए, अर्जुन चौपाल बनाई, बीसी चौपाल बनाई गई जी, और गांव का जितना भी गंदा पानी था, गांव के अंदर पहले भरता था जी, अंदर रोड था, हमने उसको खत्म करके सारा पूरा गांव का गंदा पानी बाहर एक झोड़ खुदवाया जी, और उसको पूरा अंडर अंडर प्रोसेस जी, पाइपों से जो ना उसको बाहर निकाला गया पूरा गंदे पानी, किसी भी कहीं भी हमारे रास्ते में कहीं पानी नहीं मिले गाँव में, कहीं अंडरग्राउंड पाइप का पूरा पानी गाँव का बाहर किया और पूरी तरह से जी, कोई भी हमारे गांव के कोई रास्ते कच्चे नहीं है आज। अगर थोड़ा कोई पीछे बना है पिछली योजना में, कोई ज्यादा 10-15 साल पहले बना होगा तो थोड़ा बहुत थोड़ा खंड बिखंड होगा, बाकी जी जी, बाकी उसको भी हमने दुरुस्त कर दिया। एक तो सरपंच साहब देवेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, किसी भी गांव में अभी तक 2.5 महीने से हमारी सर्वे चल रही है, अभी तक हमने चाहे वो मेवात हो, चाहे वो गुड़गांव हो जिला हो या रेवाड़ी जिला हो, महिला चौपाल नहीं है। आपने क्या मोटिवेशन था ऐसा महिलाओं के लिए जो आपने? महिलाओं के लिए क्या होता, सरकार भी इस चीज पे जोर दे रही है महिलाओं पे, हमने भी इसको जो है जोर दिया, हमने सोचा अब भाई महिला आ गया है ठीक, तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल जगह जो है ना, हमने महिला के काफी सहायता ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुप है और भी महिला जैसे अपने गीत संगीत कर सकती है, बैठ के दूसरे मीटिंगें कर सकती है जी, जी, आपस में विचार तक वितर करना जो भी है ना, वो अपने वहाँ जगह हमने एक निर्णय जगह बना दिया जी, और उसको जो है ना इस ढंग से अपने वो यूज करें, क्योंकि महिला को पहले कहता थोड़ा पर्दा था जी, आज वो चीज खत्म हो चुकी है जी, आज सब पढ़े लिखे हो गए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, तो उनकी सोच भी काफी आगे आई और उसमें हमने भी सोचा अगर महिलाओं के लिए अलग से कोई बिल्डिंग बनाई जाए और वो बैठ के अपने कोई भी काम मीटिंग करके कोई और दूसरे काम के लिए बैठ सकती हैं ठीक है ना, तो इसलिए हमने महिला चौपाल का निर्माण कराया। हमने बीपीएल कॉलोनी जो सरकार जो काटी गई थी सरकार द्वारा, हमने पूर्ण 100% उसको विकसित कर दिया जी, रोड से, पानी से, बिजली सप्लाई से, बिजली से जी, उसमें चौपाल से पूरा डेवलप, चौपाल वगैरह सब चीज डेवलप कर दिया उसके अंदर, कोई किसी तरह की वो नहीं, कोई गली कच्ची नहीं उसमें, चार रास्ते, चारों रास्ते, पांच रास्ते, छह रास्ते पूरे पक्के बना दिए सके, और मेन रोड से पड़ोस मेन रोड इससे जुड़े हुए हूँ और आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा लुक है उसका। तो देखिए सपन साहब ने, देवेंद्र साहब ने बताया कि मेरे गांव का जितना विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के इसमें शासन में जितना विकास हुआ है इतना शायद कभी विकास नहीं हुआ। दूसरा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सरपंच साहब, अभी मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के हरियाणा पुलिस के लिए 5 साल की छूट दिया युवाओं को, तो कैसा फीलिंग होता आपको? एक अच्छी पहल होगी, अच्छी पहल, कम से कम मौका मिलेगा जी सभी को, मान ले थोड़ा और हो गया कोई जी, जी जी तो उसको भी मौका मिलेगा कम से कम, भाई वो किसी तरह का अपने आप को ये नहीं सोचेगा मेरे को मौका नहीं मिला, एक मौका और मिल जाता तो मिल जाता उसको, तो वो उसकी अच्छी पहल है।